सोहेब हसन, आपका मेज़बान, आपका होस्ट। और इस वक्त मैं जा रहा हूँ ज़रा स्पिनी रोड बकरा मंडी में, ज़रा रेट मालूम करते हैं कि बकरों के रेट क्या चल रहे हैं, क्योंकि महंगाई इस वक्त बहुत हो चुकी है और लोगों से भी जानेंगे इनके व्यूज़। अपना सबसे पहले तो नाम बताएं और बताएं कि कैसा कोई रुझान है लोगों का या नहीं, और रश कश देखने को मिल रहा है कि नहीं, महंगाई कितना है, आप लोग को पीछे से क्या महंगा आ रहा है या नहीं आ रहा है, टैक्स लगा है नहीं लगा है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? उर्दू ना राजे, चलो खैर बताओ। अच्छा, तो हुकूमत वगैरह के क्या उधर पीछे से कोई टैक्स वगैरह लग रहा है आप लोग को, क्या महंगाई टैक्स से? अच्छा, तो अभी रश कश कब से वैसे बढ़ना शुरू? अच्छा, 12-13 हज़ार माल लेर कम ना दे मालूम है। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में आखिरी 5 दिनों में शायद रश कश होगा। चलो अल्लाह खैर करे, महंगाई इतना है, लोगों का रुझान वैसे ही कम है। तो गाइस ये हाल है, भाई कह रहे हैं कि टैक्सेस वगैरह भी इतने लगे कि हमें ख़ुद पीछे से माल इतना महंगा आता है कि हम लोग जो है ना जायज बात है मजबूर होते हैं लोगों को रेट ऐसा बताने का, रेट लोग पूछते साथ ही वापस चले जाते हैं, तो जो लेने वाला होता है वो ले लेता है। खैर ये इतना मतलब ऐसा मौका है जिसमें लोग जो है ना जायज बातें कुर्बानी करते हैं, एक फरीज़ा अदा करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेब हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और मैंने आपको सब सुविधा से आगाह किया है, फिलहाल के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अपने